दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो डिले स्प्रे के ऊपर बनाई थी कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे आपके प्रीमैच्योर डिस्चार्ज को सॉल्व करने में, रोकने में और आपके मैरिड लाइफ को हैप्पीली बनाने में मदद करता है। वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और इसीलिए उस वीडियो से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेल आए हैं, डिले स्प्रे को लेके नहीं, विक्स को लगाने के बारे में। पता नहीं उनको कहाँ से पता चला कि विक्स लगाने से टाइम है वो बढ़ता है और बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। मुझे बहुत सारे इसके रिगार्डिंग मेल मिले हैं तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और जो कंक्लूशन है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मुझसे सहमत हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसको शेयर करोगे वो भी ये सोच रखता हो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, इतना मोटिवेशन तो चाहिए होता है। बहुत लोगों का ये सवाल था कि क्या विक्स लगाने से पी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है या इरेक्शन में कोई सुधार आता है। तो हाँ या ना में जवाब देने से पहले ये तो जान लेते हैं कि विक्स काम कैसे करता है। देखिए, विक्स में जो मेंथॉल प्रॉपर्टीज होती है, वैसोडाइलेटर होता है जो आपके बॉडी में गर्माहट को पैदा करता है और इसकी वजह से अक्सर हमने विक्स वेपोरब को चेस्ट पे, नाक पे, गले पे सर्दी होने के बाद लगाते हुए देखा है कि विक्स लगाने से हमारी नाक खुल गई, विक्स लगाने से चेस्ट पे जो बलगम जम गए थे वो हल्के हो गए। सर्दी खांसी में चाहे एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो, सब में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। पर ये जो गर्माहट है ना, ये आपके प्राइवेट पार्ट के हेल्थ के लिए कितना असरदार है, क्योंकि इसी गर्माहट के चलते लोग विक्स के बारे में सोचते हैं और अपने लिंग के बारे में भी सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और बात भी है, विक्स जैसे आपके बॉडी में गर्माहट को पैदा करता है, ठीक वैसे ही इसमें पाए जाने वाले प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपके बॉडी में जलन को भी पैदा करता है। अब आपने ये महसूस किया होगा ना कि विक्स लगाने के बाद आपको जलन महसूस होती है। पहली बात कि ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। कुछ स्टडीज़ विक्स के शॉर्ट टर्म के यूसेज पे एक थम्स अप दिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में किसी ने विक्स लगाने के बाद उसको रिजल्ट मिला, पर लॉन्ग टर्म पे यूसेज पे बिल्कुल बैन लगाई गई है। यानी कि अगर आप विक्स को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी असरदार नहीं है, उल्टा साइड इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाली जो प्रॉपर्टीज, मेंथॉल प्रॉपर्टीज होती है ना, एंजाइम्स होते हैं, वो आपके प्राइवेट पार्ट में लिंग की जो नसें हैं उसको डैमेज कर सकता है। क्योंकि ये जो गर्माहट आप जिसके लिए आप इस विक्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हो, वो गर्माहट आपके लिंग के नसों के लिए, उसके मसल्स के लिए, उसके वेंस के लिए सही नहीं है। ये गर्माहट आपके चेस्ट पे होने वाले बलगम को ज़रूर पिघला दे, बट आपके नसों में ब्लड फ्लो को नहीं बढ़ा सकता। और इससे प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कितनी सॉल्व होगी, कितने हद तक सॉल्व होती है, उसकी आज तक पुष्टि नहीं हुई है। पर हाँ, आपके ब्लड वेजल्स खराब हो सकते हैं और ईडी की प्रॉब्लम आपको डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको पीई या ईडी की शिकायत है, यानी कि अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, अगर आपको खड़ा नहीं होता है, तो लोकल ऐसे टोटके वगैरह पे ना जाके, अगर आपको ईडी है तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो ईडी पे काम करता है। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो ईडी पे काम करता है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं, सुपर नेचुरल फूड नेचर ने दिया है हमें, ऐसे कुदरती खाना है जो ईडी में रिजल्ट देता है। प्रीमैच्योर डिस्चार्ज पे नारियल का तेल लगाओ, जैतून का तेल लगाओ, उसके साथ लौंग का तेल मिला लो, तो प्रीमैच्योर डिस्चार्ज पे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप 2-3 महीना इस्तेमाल कर लोगे, ये विक्स जैसी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। देखा जाएगा कि फिर भी आपका 2 मिनट में गिर रहा था, उसके बाद लगाते ही गिर जाएगा। और अगर ईडी की शिकायत नहीं भी थी तो 2 महीने बाद वो भी हो जाएगी, खड़ा ही नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, टोटके आजमाओ, बट वो सही हो उसकी भी जांच कर लो, पुष्टि कर लो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर लो फटाफट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।